हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रुति। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डूडल आर्ट। डूडलिंग कहने में तो बहुत सिंपल लगती है और बहुत इजीली हो भी जाती है, और सभी आर्टिस्ट का स्टाइल अपना अलग अलग होता है, और हमारा जो डूडल आर्ट स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। एज यू गाइस नोस कि मुझे ट्रेडिशनल आर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, तो डूडलिंग भी मैं ट्रेडिशनल स्टाइल में ही करती हूँ, बट उसमें हम कलर्स ऐड कर देते हैं। डूडल आर्ट फॉर्म ट्रेडिशनल आर्ट से ही निकला हुआ एक आर्ट स्टाइल है, सारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं। इसमें हम हिना के पैटर्न्स बना सकते हैं और कार्टून्स बना सकते हैं और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना सकते हैं और काफी सारे क्रिएटिव स्टाइल से हम डूडल आर्ट करते हैं। हमारा जो डूडलिंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम डूडलिंग में सिर्फ डूडल नहीं करते हैं, उसके अंदर कलर्स भी ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड में, वाटर कलर्स। जैसे कि ट्रेडिशनल आर्ट में क्या होता है कि बहुत अच्छे से कलर्स को चूज किया जाता है और फिर उन्हें ऐड किया जाता है। डूडलिंग में मैं क्या करती हूँ, जो हमारा बैकग्राउंड है उससे बिल्कुल कलरफुल कर लेती हूँ, और स्पेसिफाइड नहीं होता कि यहाँ पे कलर करना ही करना है, बट हम चूज करके भी कर सकते हैं कि हमारे इस एरिया में ये चीज बनने वाली है तो हम यहाँ पे ये कलर करेंगे, और हम अपने आर्ट सरफेस को बिल्कुल अच्छे से डिजाइन करते हैं, और हम अपने आर्टवर्क में पूरे सरफेस को बिल्कुल अच्छे से डिजाइन करेंगे, पैटर्न्स का यूज करेंगे, कलर्स का भी यूज करेंगे। जो हम डूडल आर्ट बनाने वाले हैं वो गॉडेस लक्ष्मी की बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। तरह के वर्क्स मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, तो वो जितने भी जो भी वर्क्स है मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और आई होप कि वो आपको बहुत पसंद आएंगे। और बैकग्राउंड को कलरफुल करना चाहते हो वाटर कलर से, तो उसमें कार्ट्राइज शीट बिल्कुल भी यूज मत करना, आप आइवरी शीट यूज कर सकते हो, बट अगर आपके पास वाटर कलर पेपर है तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप कलरफुल नहीं कर रहे तो कार्ट्राइज शीट आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस और अपना वर्क बनाने के लिए। और इस वर्क में मैं इन चार चीजों का यूज करूंगी, एक है जेल पेन और एक ये डोम्स का सीडी डीवीडी मार्कर जो होता है वो है, और एक बॉल पेन है और एक बोल्ड पेन है डोम्स का ये परमानेंट मार्कर। तो ये चार चीजें मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो तरह के मार्कर है और दो तरह के पेन है, तो मैं इनके यूज बता देती हूँ कि इनके यूज क्या क्या होते हैं, क्योंकि पेन ये भी है और मार्कर ये भी है। जेल पेन और बॉल पेन दोनों ही हम डिटेल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो भी कंप्लीट डिजाइनिंग है उसे मैं जेल पेन का यूज करके करती हूँ, बट जो बहुत ही ज्यादा डिटेल वर्क है उसमें मैं बॉल पेन का यूज करती हूँ। डिटेल्स हम जेल पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन जेल पेन वाटर कलर शीट पे थोड़ा सा डार्क रहेगा और बॉल पेन लाइट रहेगा। तो ये जो सीडी डीवीडी मार्कर है तो ये एक पतला मार्कर है, तो ये जेल पेन से जो हल्का सा थिक एरिया होगा वहां पे हम यूज कर सकते हैं, जो भी एरियाज हैं उन्हें अच्छे से फिलिंग के लिए, क्योंकि पेन से फिलिंग करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। जो स्केच पेन और मार्कर्स होते हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं, जेल पेन है वो शाइन करते हैं, उनके अंदर शाइन होती है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, इसकी वजह से मैं जेल पेन ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और बोल्ड मार्कर हम इसलिए यूज करते हैं कि जो अगर कोई बड़ा एरिया है जहाँ पे हमें ब्लैक करना है, पूरी ब्लैक फिलिंग करनी है, तो वहां पे हम बोल्ड मार्कर यूज कर सकते हैं। यही छोटी सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी होती है, बाकी डूडल और भी काफी तरह से होता है और अलग टूल्स भी आते हैं, बट ये जो मार्कर्स और पेन्स वगैरह मैंने बताए, मैंने उस तरह के वर्क के लिए बताए हैं जो कि मैं करती हूँ। स्टार्ट करते हैं।